हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू डी आज का एपिसोड नोटा यानी इलेक्शंस में नन ऑफ अबव ऑप्शन के बारे में है मुझे पूरा यकीन है कि यही वो ऑप्शन है जिसे हम सब ढूंढ रहे थे जब हमें मेडिसिन और इंजीनियरिंग में से जबरदस्ती चुनने के लिए मजबूर किया गया नोटा इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन पर वो ऑप्शन है जिसे चुनने से वोटर स्पष्ट तौर पर यह दर्शाता है कि उसे कोई भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट पसंद नहीं है बेसिकली ये कंटेस्टेंट्स के प्रति या पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति अथवा पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति आपका डिससेटिस्फेक्शन दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और आप इस नोटा के बटन को ईवीएम पर कैंडिडेट्स की लिस्ट के बॉटम में पा सकते हैं क्योंकि तभी ये नॉन ऑफ अबव ऑप्शन कुछ सेंस बनाता है ऑब्वियस इज इट और इसे इस सिंबल से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अब बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि नोटा के पहले भी एक ऑप्शन था जिससे वोटर नेगेटिव वोट दे सकते थे ये ऑप्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स उन्नीस के रूल उनचास ओ के तहत आया था इसके मुताबिक कोई वोटर जिसे वोट ना डालने का फैसला लिया है उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास अपनी डिटेल्स और वोट ना डालने के कारण बताने होंगे ये पोल ऑफिशियल्स को एक मौका देते थे ये पता लगाने के लिए कि आखिर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के रिजेक्शन की वजह क्या है मगर इसमें बदलाव आया जब पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पैटिशन फाइल की जिसमें कहा गया कि रूल ओ राइट टू सीक्रेसी ऑफ अ वोट को वॉयलेट करता है यह पैटिशन 2004 में फाइल किया गया था लेकिन इंडियन कोर्ट्स के बाकी केसेस की तरह सुप्रीम कोर्ट को इस पर डिसीजन लेने में वक्त लगा फाइनली 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई को ईवीएम में नोटा इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा इस वर्डिक्ट को डिलीवर करते समय उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी सदाशिवम द्वारा हेड की गई बेंच ने कहा था इफ द राइट टू वोट इज अ अटैच्यूटरी राइट देन द राइट टू रिजेक्ट अ कैंडिडेट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इसी कारण से वो सिटीजन को इलेक्ट्रल प्रोसेस के थ्रू अपनी ना रखने का एक प्लेटफॉर्म देना चाहते थे उन्हें आशा थी कि नोटा वोटर टर्नआउट भी बढ़ाएगा उन वोटर्स को अट्रैक्ट कर जो सामान्यता वोटिंग अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही खराब लगता है इसके साथ ही उनका यह भी मानना था कि नोटा के थ्रू यह नेगेटिव वोटिंग चुनावों में एक सिस्टमैटिक चेंज लाएगी और पॉलिटिकल पार्टीज को क्लीन कैंडिडेट्स प्रोजेक्ट करने के लिए फोर्स होना पड़ेगा और सिविल सोसाइटी यह आशा कर रही थी कि नोटा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले पॉलिटिशियंस को हटाने में मददगार साबित होंगे नथिंग रॉन्ग इन होपिंग राइट तो इन सभी आशाओं के साथ 2013 में नोटा इंट्रोड्यूस किया गया और हम दुनिया की चौदहवीं कंट्री बने जहां नेगेटिव वोटिंग का ऑप्शन दिया जाता है हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे देश में नोटा महज राइट टू एक्सप्रेस डिसेंट है ना कि राइट टू रिजेक्ट इसका मतलब यह है कि अगर नोटा को हाइएस्ट वोट्स भी मिले तब भी कैंडिडेट विद द मैक्सिमम वोट्स आफ्टर नोटा विंस द इलेक्शन अगर आपको लगता है कि नेशनल इलेक्शंस में अगर नोटा को कैंडिडेट से ज़्यादा वोट्स मिलते हैं री तो इलेक्शन होगा आई एम सॉरी टू से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर से आपको उल्लू बनाया है 2013 के इंट्रोडक्शन से लेकर अब तक नोटा ऑप्शन 37 असेंबली इलेक्शन और एक नेशनल इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया है यहां यह भी जान लें कि जब नोटा ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया इसके पास कोई भी अपना सिंबल नहीं था इट वॉज बाय दिस इसे सिंबल मिला 2015 में तो आइए नोटा के अब तक के सफर पर एक नजर डालते हैं नोटा बटन का सबसे पहला इस्तेमाल 2013 के असेंबली इलेक्शंस में छत्तीसगढ़ मिजोरम राजस्थान मध्य प्रदेश और दिल्ली में किया गया नोटा पोल्ड एन एवरेज ऑफ 1.85% पॉइंट एट फाइव हाईएस्ट ऑफ 3.06% परसेंट इन छत्तीसगढ़ इसके फौरन बाद 2014 के नेशनल इलेक्शंस हुए जिसमें नोटा को वन ऑफ वोट्स मिले जिसमें हाईएस्ट था 1.7 परसेंट इन झारखंड जब यूसेज ऑफ नोटा के डेटा को फर्दर एनालाइज किया गया तो काफी डिसअपॉइंटिंग इंसाइट्स मिले पहले तो परसेंटेज ऑफ पीपल ऑप्टिंग फॉर नोटा लगातार घट रहा है शुरुआती साल 2013 में 1.96 परसेंट लोगों ने नोटा ऑप्ट किया था हालांकि ये 2.08 परसेंट पहुंचा 2015 में लेकिन वहां से 2018 में यह फिर घटकर 1.25 परसेंट पर रह गया है इसी लाइन में अगर हम स्टेट वाइज नंबर को भी देखें तो पता चलेगा कि नोटा के वोट शेयर ने दो परसेंट का मार्क सिर्फ छत्तीसगढ़ बिहार और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इलेक्शन में ही हासिल किया है और उन स्टेट्स में जहां नोटा ऑप्शन ईवीएम पे दो अलग अलग असेंबली इलेक्शंस में था नोटा का वोट शेयर दूसरे इलेक्शन में हर जगह घटा है एक्सेप्ट तेलंगाना तेलंगाना में नोटा का वोट शेयर 2014 में 0.78 परसेंट से बढ़कर uh, 2018 में 1.09 परसेंट हो गया अदरवाइज नोटा परसेंटेज का जनरल ट्रेंड डिक्रीज ही दर्शाता है दूसरा मेजर इंडिकेटर जो नोटा के इंपैक्ट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो है कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नोटा का शेयर विनिंग मार्जिन से ज्यादा रहा है अब यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वो जगहें दर्शाता है जहां आउटकम बदल सकता था अगर नोटा के वोट सेकेंड पोजिशन वाले कैंडिडेट्स को मिल जाते तो दुर्भाग्य से यह आंकड़ा भी घट ही रहा है 2013 में 9.05 पॉइंट जीरो फाइव परसेंट कॉन्स्टिटेंसीज में नोटा वोट्स विनिंग मार्जिन से ज्यादा था 2018 में यह आंकड़ा घटकर 6.56 पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट रह गया है इसके साथ ही कई सारे रिसर्चर्स ने इन नोटा पैटर्न्स को एनालाइज किया है यह देखने के लिए कि हम नोटा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और जो खुलासे सामने आए वो कुछ खास खूबसूरत नहीं है पहली चीज ये कि जो कॉन्स्टिटुएंसीज एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वड है वहां जनरल कॉन्स्टिट्युएंसीज के कंपैरिजन में नोटा वोट्स की संख्या कहीं ज्यादा है एसटी रिजर्वड सीट्स पर नोटा वोट शेयर सबसे ज्यादा है 2.31% जो कि जनरल सीट्स के 1.05% के दोगुने से भी अधिक है यह हमारे देश में पॉलिटिकल रिजर्वेशंस के प्रति सोशल प्रेजडिस दर्शाता है ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड हैं वहां नोटा वोट्स का प्रतिशत अधिक है एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि स्टेट के खिलाफ यह एक तरह का विरोध प्रदर्शन है एक और मजेदार बात यह है कि नोटा फिगर्स कंपैरेटिवली ज्यादा पाए गए हैं जहां कहीं भी कांग्रेस और बीजेपी में डायरेक्ट कॉन्टेस्ट हुआ है कुछ लोग इसे रीजनल और नई नेशनल पार्टीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देख रहे हैं उम्मीद है कि कोई तो इसे सुन रहा होगा और अमली जामा पहनाएगा और फाइनली जैसा कि इसके रिजल्ट्स कहते हैं नोटा वोटर टर्नआउट बढ़ाने में नाकाम रहा है ऐसा भी कोई संकेत नहीं है कि जिन एरियाज में क्रिमिनल बैकग्राउंड्स वाले कैंडिडेट्स हैं वहां नोटा काउंट हाई रहा हो इसका मतलब है कि हमारी पब्लिक ये सोचती है कि अगर कैंडिडेट क्रिमिनल भी है तो क्या हुआ वो उनका लीडर बन सकता है hmm. यहां पर गहन विचार की जरूरत है तो जैसा कि डेटा दर्शाते हैं नोटा को चुनने में अपेक्षित पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है हालांकि शुरुआती सालों में लोगों ने इसमें काफी इंटरेस्ट दिखाया पर इलेक्शन के आउटकम पर इसका कोई भी असर ना होना वोटर्स के डिस्करेजमेंट का एक बड़ा कारण बना और आगामी सालों में लोगों ने नोटा से दूरी बढ़ा ली <laughs> लेकिन दिल छोटा मत कीजिए क्योंकि नोटा की वजह से कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स भी हुए हैं इनमें से एक है 2017 के गुजरात असेंबली इलेक्शंस सब जानते हैं कि गुजरात बीजेपी का गढ़ है 2017 में बीजेपी ने निन्यानवे सीट्स जीती जबकि कांग्रेस को 78 सीट्स मिली और अन्य के खाते में एक अवेलेबल सीट्स में से महज पांच सीट्स गई इन एक सीट्स में से 30 सीट्स पर नोटा को विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा वोट मिले जिसका सीधा मतलब है कि कुछ जगहों पर नोटा भाई को लोकल मोटा भाई से ज्यादा वोट्स मिले खैर इन तीस सीट्स में से बीजेपी ने पंद्रह जीती कांग्रेस ने तेरह और अन्य ने दो अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए जहां कांग्रेस ने इन कॉन्स्टिटुएंसीज में बेटर कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं और लोगों ने नोटा के बजाय कांग्रेस को अपना वोट दे दिया उस सूरत में गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनती बाईस सालों के बाद यह कांग्रेस बीजेपी और अन्य पार्टीज के लिए एक सबक है कि अगर वो साफ़ सुथरी छवि वाले बेहतर कैंडिडेट्स मैदान में उतारेंगे और नोटा वोटर से अपील करेंगे तो उनके जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं तो क्लोजली फॉट इलेक्शन में नोटा की ये इंपॉर्टेंस है इसके साथ ही कुछ जगहों पर लोकल इलेक्शंस में नोटा स्टेट इलेक्शन कमीशन को रुककर नोटिस करने पर भी मजबूर कर रहा है एक इंपॉर्टेंट बात यहां यह है कि हमें स्टेट इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए जहां ई नेशनल और स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टेट इलेक्शन कमीशन और एसईसीज़ स्टेट गवर्नमेंट्स के तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोकल इलेक्शन म्यूनिसिपल काउंसिल्स और पंचायत के इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अब इनमें से कुछ पंचायत का नोटा पोलिंग हाइएस्ट है फॉर एग्जाम्पल पुणे डिस्ट्रिक्ट के बोरी ग्राम पंचायत पोल्स नोटा पोल्ड एटी फाइव पॉइंट फाइव सेवन परसेंट वोट्स और उसी डिस्ट्रिक्ट के मनकरवाड़ी ग्राम पंचायत पोल्स जहां टोटल थ्री थर्टी वैलिड वोट्स में से दो सौ चार नोटा को गए तो शायद ये वोटर्स का तरीका है कैंडिडेट्स को बताने के लिए कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा इसको कंसीडर करते हुए महाराष्ट्र ए ने नवंबर 2018 में एग्जिस्टिंग नोटा लॉज को अमेंड किया जो सभी लोकल लेवल इलेक्शंस पर एप्लीकेबल होगा महाराष्ट्र एसी ने अनाउंस किया कि अगर इलेक्शंस में नोटा को मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं तो री इलेक्शन होंगे और अगर री इलेक्शन में भी नोटा ही अव्वल आता है तो नोटा को छोड़कर जिस भी कैंडिडेट्स को हाइएस्ट वोट्स मिलेंगे वो विजेता होगा हालांकि रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को री में शामिल होने से रोकने के लिए कोई लॉ नहीं है लेकिन हरियाणा एसी सी ने वो गैप भी भर दिया महाराष्ट्र एसी सी के निर्देशों को अपनाने के साथ ही इसने यह ऑर्डर भी दिया कि जो भी कैंडिडेट्स नोटा से कम वोट्स पाएंगे उन्हें री इलेक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा तो महाराष्ट्र और हरियाणा एसी सीज आपकी जय हो वी नीड मोर ब्रेव हार्ट लाइक यू सो टू समराइज करेंट नंबर्स दर्शाते हैं कि वोटर्स का एक छोटा वर्ग है जो पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति अपना असंतोष जाहिर करने के लिए नोटा का सहारा ले रहे हैं हालांकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो अनफुलफिल्ड प्रोमिस प्योर मार्केटिंग गिमिक्स हेट पॉलिटिक्स करप्शन और नेपोटिज्म से तंग आकर थक चुके हैं हम उन्हें भी नोटा अपनाने के लिए एनकरेज कर सकते हैं अगर हम उन्हें यह फील कराएं कि देर नोटा वोट इज एम्पावर्ड तो आशा करते हैं कि ईसीआई महाराष्ट्र और हरियाणा ऐसी के सराहनीय कदम को नोटिस करेगी और पॉलिटिकल पार्टीज को नोटा को ज्यादा पावरफुल और वैल्यूएबल बनाने के लिए पुश करेगी लेकिन हम बदलाव और नोटा के ज्यादा पावरफुल होने के इंतजार करते हुए सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रह सकते क्योंकि एक बार अगर नोटा एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को नेग्लेक्ट या इग्नोर करोगे तो ये ई सिविल सोसाइटी और पोलिटिकल पार्टीज के रडार से बाहर चला जाएगा तो नोटा को फोकस में बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कीजिए उस पावर को जो इंस्टीट्यूशन ने आपको ऑलरेडी दी हुई है और एक पीसफुल प्रोटेस्ट की तरह हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए नोटा का इस्तेमाल कीजिए तो अब अगर कोई पॉलिटिशियंस आपसे कहता है कि मेरे पास पैसा है गाड़ी है बंगला है तुम्हारे पास क्या है आप कहें कि मेरे पास नोटा है #notaisPowerfulProtest नोटा थ धोखा इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे बात करेंगे विमेंस रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया के ऊपर जुड़े रहिए हमारे साथ और बनाइए बेहतर भारत Subscribe to Factly and hit the bell icon for updates.